दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, दुनिया हमेशा दो तरह के मामलों से निपटती है, एक सुलझा हुआ और दूसरा अनसुलझा। जो मामले सुलझ जाते हैं उनमें कोई रहस्य नहीं रहता, लेकिन आज भी इस दुनिया में ऐसे हजारों मामले हैं जिनकी व्याख्या किसी ने नहीं की है, और भारत ऐसे कई मामलों से भरा पड़ा है। क्या किसी इंसान को मरने के बाद भी आते जाते हुए देखा जा सकता है? आपको जो इंसान कुछ ही दिन पहले दिखाई दे, लेकिन बाद में पता चले कि वो महीनों पहले मर चुका है, तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। कुछ ऐसे ही रहस्यमय सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ तीन लोग मर गए और वे प्रेत आत्मा बनकर दिखाई देने लगे। ये भूतिया स्टोरी हैदराबाद के सबसे महंगे इलाके की है। आज हम आपको इस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से सस्पेंस और रहस्य से भरी है। तो चलिए अब बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। हैदराबाद शहर में एक सनसनीखेज घटना हुई थी, जो साल 2002 में एक ऐसा पैरानॉर्मल टॉपिक था जो पूरे भारत में सनसनी बन गया था। कहानी शुरू होती है एक चोर से। वो चोर एक दिन चोरी करने के लिए निकला हुआ था। चोरी के इरादे से घूमते घूमते एक घर पर उसकी नजर पड़ी, जो कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। उसे लगा कि ये घर खाली पड़ा हुआ है और ये बढ़िया मौका है, और चोर ने सोचा आज इस घर पर हाथ साफ कर ही लेते हैं। अब वो दीवार कूद कर घर के अंदर पहुंचा। घर के अंदर बिल्कुल लाइट नहीं थी। चोर अपनी टॉर्च को जलाकर घर के अंदर धीरे धीरे एंटर किया। घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था और देखकर ऐसा लग रहा था कि इस घर को कई दिनों से साफ नहीं किया गया है। वो पूरे घर में इधर उधर टॉर्च जलाकर देख रहा था। इसी बीच उसको हॉल में सीढ़ी दिखा और वो सीढ़ी से ऊपर की तरफ चला गया, जहां और भी कई कमरे बने हुए थे। अब चोर इधर उधर टॉर्च जलाकर देखने लगा, तभी उसकी नजर एक कमरे में गई। उस कमरे में जाकर उसने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई। जैसे ही उसकी टॉर्च की रोशनी रूम के बेड पर पड़ी, चोर के हाथ से टॉर्च अपने आप ही छूट गया और वो चोर जोर जोर से कांपने लगा। आखिर उसने बेड पर ऐसा क्या देख लिया? तो आपको बता दूं कि उस बेड पर तीन खून से सनी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। ये देखकर चोर उल्टे पर बहुत तेजी से घर से बाहर भागा। घर का दीवार कूद कर कुछ देर भागने के बाद वो रुका और काफी बुरी तरीके से हांफ रहा था। ऐसा नजारा देखकर चोर की हालत एकदम खराब हो गई। वो थोड़ी देर रुका और सोचा क्या करूं, किसी को बताऊं या ना बताऊं। उसने सोचा पुलिस को बता ही देता हूं, लेकिन फिर सोचा आखिर एक चोर पुलिस को क्यों फोन करेगा। इसी बीच उसके मन में पता नहीं क्या आया, उसने अपने आप फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर बता दिया कि एक घर में तीन खून से सनी डेड बॉडीज पड़ी हुई है। दिलचस्प बात तो यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उन तीन लोगों को मरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। अब जब ये बात वहाँ के लोगों को पता चला कि इन लोगों को मरे हुए 6 महीने बीत चुके हैं, तो लोग काफी हैरान थे। दरअसल कुंदनबाग कॉलोनी के मकान में 4 लोगों का एक परिवार रहता था, जिसमें एक माँ, पिता और 2 बेटियां थी। बताया जाता है कि एक दिन पिता घर से चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। तब से उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कुछ पड़ोसियों के मुताबिक माँ और बेटियां बेहद ही अजीब थी। घर के बाहर खून से भरी बोतल लेकर बच्चियां खेला करती थी। पड़ोसियों को भी घर के अंदर बेहद ही अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। आसपास के लोग तो उन लोगों को कल भी देखे थे और उन्हें पड़ोसी हर रोज देखा करते थे। ये तीनों बड़ी अजीब अजीब हरकतें किया करते थे, इसलिए पड़ोसी भी इनसे बात नहीं करते थे। अब ये सारी बातें जानकर पुलिस भी हैरान थी। उनके लिए इस केस को सुलझा पाना एक मिस्ट्री बन गया। पुलिस ने इस केस को कई एंगल से जांच किया, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया। उन्होंने ये भी जांच किया कि क्या पता इन लोगों ने आत्महत्या किया हो या नहीं, या फिर उस औरत के पति ने इन तीनों को मार दिया हो। लेकिन पुलिस के सवालों के जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया। पुलिस ने हमेशा के लिए इस घर को लॉक कर दिया और इस केस को भी बंद कर दिया। साल 2002 में ये एक बड़ी खबर बन गई और बाद में घर पर ताला लगा दिया गया। अब कुंदन बाग हाउस एक सुनसान संपत्ति है, जिसमें ना तो बिजली है और ना ही पानी। एक तरह का ये एक सुनसान वीरान खंडहर बन चुका है। इस घर को बाहर से ताला तो लगा दिया गया है, लेकिन हर रात पहली मंजिल पर रोशनी कैसे दिखाई देती है, खैर ये कोई नहीं जानता, और किसी को भी इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ये एक भूतिया जगह है और उन्हें यहाँ कुछ अजीब अनुभव हुए हैं। पास के एक इलाके के निवासी ने कहा कि कुंदनबाग हाउस के गेट के सामने उनका और उनके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने कहा कि ये अजीब है, जैसे ही वो इस लेन में घुसे उनकी बाइक की हेडलाइट बंद हो गई। उसका दोस्त जो विपरीत दिशा से आ रहा था वो इससे टकरा गया, क्योंकि उसके पास आते ही उसकी बाइक की भी हेडलाइट बंद हो गई। अब यहाँ तक कि पुलिस भी अगर इस इलाके से गश्त करती है और जो कोई भी इस गेट में घुसने की कोशिश करता है उसे पुलिस पकड़ लेती है। भारत के ऐसे ही मिस्टीरियस और पैरानॉर्मल जगहों के बारे में जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।